नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन, मैं जीशान जावेद आपके साथ। नर्सिंग होम में मची लूट, इलाज के नाम पर ठगी, गुरु कृपा नर्सिंग होम का कारनामा हुआ उजागर। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहर के बीचों बीच संचालित गुरु कृपा नर्सिंग होम की। यहां मरीजों से इलाज के नाम पर जमकर लूट मची हुई है। सामान्य प्रसव की स्थिति पर भी ऑपरेशन करने का दबाव बनाया जाता है और फिर शुरू होता है खेल। ये खेल है रुपए ऐंठने का। बिस्तर के नाम पर तो फिर कभी ओटी चार्ज के नाम पर, सर्जन और दवाओं के नाम पर। इतना ही नहीं, मरीज को नर्सिंग होम से डिस्चार्ज करने के बाद भी रुपए वसूले जाते हैं। आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो फिर ये देखिए रसीद। इस रसीद में 29 तारीख डिस्चार्ज की तारीख है, लेकिन मरीज को 27 तारीख को ही डिस्चार्ज कर दिया गया। यह कोई एक मामला नहीं, आए दिन इस तरह से कई मामले गुरु कृपा नर्सिंग होम के सामने आ रहे हैं। नर्सिंग होम संचालक मरीजों से मनमाफिक रुपए ऐंठ रहा है। तो दिखाने पर इन्होंने, तब मेरी बहू नॉर्मल थी, तो उन्होंने देखा, चेक किया, जब अंदर से बाहर को आती है तो मेरे को वही थी, मेरे को तकलीफ हो रही है, पता नहीं क्या कर दिया मैडम ने। तो मैं मैडम से पूछा, मतलब तो मैडम ने बोला कि मतलब इसका बच्चा जो है, बच्चे की नाल फंस गई है, अब इसको जो है इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, अपने ऑपरेशन के अलावा मतलब से कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला कि मैडम आप मेरे से बोली थी कि पहले हम नॉर्मल बच्चा पैदा करेंगे, शुरू से आप कह रहे हैं, फिर आप मतलब जो है ऑपरेशन के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि देखिए ऐसा है कि हम नॉर्मल करेंगे, हम अब हमारी जो दिक्कत इसमें है कि इसको पानी जा रहा है, तो पानी जा रहा है तो हमको ऑपरेशन करना हमारी मतलब प्रॉब्लम है। तो हमने बोला कि अभी तक तो मतलब वो ठीक थी, मैं लेकर के आया और आपने चेक किया तो इसके बाद जो है तो पानी क्यों जाने लगा आपके चेक करते ही, और आपने पूरा पानी निकाल दिया, ऑपरेशन के लायक बना दिया। तो हम इतने पैसे वाले तो हैं नहीं कि मतलब आपको हम दे पाएंगे। तो बोले नहीं, मतलब जो है आपको करवाना पड़ेगा, मतलब उन्होंने भर्ती करवा। तो बोले कि थोड़ी सा पैसा लगेगा। हमने पूछा कितना, तो बोले कि थोड़ी सा। लेकिन इसके बाद जो है, इसके बाद जो मैं दिनांक 23/5/2019 को शाम को 5:15 में उन्होंने ऑपरेशन थिएटर पर ले गया, वहाँ पर मतलब बालक ऑपरेशन के द्वारा। और इसके बाद जो है तो कल दिनांक 27/5/2019 को रात को मेरे को 9 बजे पेपर दिया, मतलब कि आपकी छुट्टी हो गई, तो आप इसे लेकर के जाइए। अब मैं बोला कि मतलब मेरे पेपर में तो आप 29 तारीख तक का हमसे पैसे लिए हैं, 29 तारीख तक का मतलब ये, तो मैं क्यों जाऊँ, और मेरे पास पैसे थे नहीं उस पीरियड पर। मैं इनके पति के पास, डॉक्टर प्रमोद जैन के पास गया, डॉक्टर प्रमोद जैन के पास जब गया तो डॉक्टर प्रमोद जैन ने बोला कि आप मतलब मेरे सेंटर में आए हो तो आप चाहे गहना जेवर भेजो, चाहे अपनी जमीन जायदाद तो करो, और पैसे मेरे को पूरा चुकता करो। मैंने सर जो है तो मैंने चेक दिया था, हमने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मेरे पास एक चेक है कि आप उस चेक को ले लीजिए और 2-4 दिन की मतलब के अंदर में आपको पैसे मतलब आ जाएंगे। तो उन्होंने मेरे से मतलब जो है तो पैसे पूरे के पूरे हमारे पास नहीं थे, फिर मैं इधर उधर ले करके इनको जो है इनको 50,000 रुपये दिए, जिसमें इन्होंने मेरे को जो है तो मेरे को 32,000 रुपये का मतलब जो है रसीद बना करके दिया है। मैंने इनको बोला कि मेरे को ओरिजिनल रसीद दीजिए, तो वो डुप्लीकेट रसीद दी। अब बताइए सर, मतलब इसमें हम अब ऐसे कई मरीज सामने आ रहे हैं जिनके साथ नर्सिंग होम संचालक ने ठगी की है। उन्हें समय के पहले डिस्चार्ज कर दिया और दवाएं ठीक तरीके से नहीं की, जिसके चलते अब वो बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्हें आए दिन कई तरह की तकलीफें हो रही हैं। और उससे पहले उन्होंने ये भी नहीं बताया कि आप ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप करवाना चाहते हैं कि नहीं। और ऑपरेशन के बाद से मुझे दूसरे दिन से आई थिंक पेन होता रहता है, मुझे उठने में चलने में
बहुत प्रॉब्लम होती है। मामला उजागर होने के बाद अब संचालिका पूरे मामले में पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। काम करती हूं मैं, अपना काम देखती हूं, बाकी ऐसा सारा काम मैं ही देख सकती हूं। पेशेंट आप हॉस्पिटल के बिल में जीएसटी नहीं लगता आपके यहां? एक पेशेंट है जो सीजीडी वाला ऑपरेशन हुआ 20 तारीख को, 25 तारीख तक आपने उसके चार जगह करवा लिया। आप पहले हमें वो ला के दें कि कहाँ उनके सारे रखकर, कहाँ लिखा है कि उनके सारे रखकर उसका था नहीं, तो आपको भी तो पेशेंट की जानकारी हाँ जी, पेशेंट की जानकारी नहीं है आपको? एक पेशेंट की जानकारी है, आप हमें बिल में दिखाएं तो आप भाई कोई मैनिपुलेट कर सकता है, कुछ कर सकता है उसको, आप पहले हमें ला के दिखा दें और इतना बिल पर हम आपको बात बता देंगे। बस सीधी बात है ना, पेशेंट हाँ कितने पाँचवें दिन में डिस्चार्ज करते हैं और सातवें दिन में डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट की कंडीशन, दूसरे तीसरे दिन बिल्कुल नहीं करते हैं। ऐसा नहीं हुआ इस पेशेंट के लिए, है ना? इस पेशेंट में भी ऐसा नहीं हुआ। कब हुआ उसका ऑपरेशन, कब हुआ है उसका ऑपरेशन आप बताएं ना। 23 को एडमिट हुआ है, 29 तक आपने चार्ज किया, 27 को उसको डिस्चार्ज कर दिया। 23 को एडमिट हुआ तो 24 को हुआ या 25 को ऑपरेशन? 23 को ही ऑपरेशन हुआ उसका, 24 25 26 27 तक तो उसका पूरा हुआ। तो पेशेंट अगर फिफ्थ डे जाना चाहते हैं तो फिफ्थ डे भी डिस्चार्ज हो सकता है और सेवन्थ डे भी डिस्चार्ज हो सकता है। अगर स्टिच निकलवा के जाना चाहते हैं तो स्टिच निकलवा के भी जा सकता है। जी एस टी की आपको जानकारी नहीं है? वो सब सब लोग देखते हैं, मैंने देखा। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही इस नर्सिंग होम पर कार्रवाई होने वाली है। 23 को भर्ती हुई थी और आपके बताने से 27 को उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन इसमें डेट 29/5 पड़ी हुई है जो कि गलत है। 29/5 आगे के लिए डिस्चार्ज नहीं हो सकता है, डिस्चार्ज तो आज के दिन में होगा, इसके पहले किया गया होगा निश्चित तौर। आपके अनुसार इनको 27 को डिस्चार्ज कर दिया गया, अब इसमें डेट 29/5 पड़ी हुई है, बिल्कुल सही है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज 28 तारीख है, तो मान उनकी सभी आना बाकी है, ये नहीं हो सकता। ये तो ऐसा कैसे हुआ हम इसे स्पष्टीकरण मांगते, कैसा क्यों किया, जानबूझ के किया या मानवीय त्रुटि से हुआ, ये हमको भी जानकारी है, हम उनसे जानकारी लेते हैं, लेकिन किसी भी ये पेपर में इस तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ये मानवीय भूल भी इसको डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, ऐसा लगता है कि किसी न किसी रूप में इसको जानबूझ कर दिया गया, ऐसा महसूस होता है। ये इसके दूसरे बिल में आप देखेंगे, बिल में कोई जीएसटी चार्ज नहीं जुड़ा हुआ है, हाँ। जिससे साधन को हानि होगी, हाँ। इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? अब इसमें इनके पास जीएसटी का नंबर है कि नहीं है और जीएसटी के बारे में क्या नियम है इसके बारे में, चूँकि ये टैक्स का सवाल है तो इसके बारे में संबंधित विभाग से हम इसकी जानकारी लेंगे कि नर्सिंग होम में जीएसटी लगता है और लगता है तो कितना लगता है और इसमें लिया गया है या नहीं लिया गया है, ये इसमें कोई चीज़ अंकित नहीं है। नर्सिंग होम साथ में रिसर्च सेंटर ये अपने आप को बताते हैं, इनका पंजीयन होगा, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात इसका पंजीयन है, पंजीयन होगा, ये आपके जाँच अधिकार में आते हैं, मेरे जाँच अधिकार में आता है, लेकिन इसमें चूँकि जो अमाउंट लिखा गया है और जीएसटी लिखा गया है, जीएसटी के लिए अलग डिपार्टमेंट रहता है कि उसको जीएसटी क्यों करता है, जांच करता है कि जहाँ भी संस्थाएँ हैं जीएसटी कहाँ कहाँ लगता है, किन किन सेवाओं में जीएसटी लगता है, तो जीएसटी के बारे में राय देना मेरे लिए अभी संभव नहीं है। रही बात इसमें लिखा हुआ है गुरु कृपा हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर और इसका रजिस्ट्रेशन है। इस नर्सिंग होम में सिर्फ कैश रुपए लिए जाते हैं, चेक और डिमांड ड्राफ्ट के नाम पर मना ही है। ऐसे में मरीजों पर दबाव बनाया जाता है कि वह चाहे घर के गहने जेवर गिरवी रखें या फिर जमीन बेचकर नर्सिंग होम संचालक को उनके मनमाफिक रुपए दें। हद तो तब हो गई जब मरीज को इन्होंने दबाव बनाया और बिना इलाज किए ही उसे डिस्चार्ज कर दिया।